आपकी जो मिनरल्स और विटामिन की कमी है ना, ये पूरी होती है, ये लोडेड होते हैं मिनरल्स से विटामिन से, जैसे कि मिसाल के तौर पे जिंक हो गया, सल्फेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे मिरेकुलस फूड जो कि रमजान में आपके लिए बेहतरीन है, आपकी एनर्जी को बहाल रखते हैं, ठीक है जी, साथ में आपको वजन कम करने में मदद करते हैं, आपके विटामिंस की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, आपको हेल्दी रखते हैं, हैप्पी रखते हैं, ठीक है। ये 10 फूड आज मैं आपको बताने वाला हूं, लिस्ट बड़ी जबरदस्त है, छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, क्विकली बताऊंगा। नंबर 1 पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए। नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इफ्तार खोलने का जो सुन्नत तरीका है, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ करे, वो खजूर से है या पानी से है, ठीक है जी। तो खजूर जो है वो सबसे बेस्ट है, आपको रमजान में इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत सारी वजूहत है। एक तो उसमें आपको नेचुरल शुगर मिलती है, आपकी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, ठीक है। साथ में इसमें आपको पोटेशियम मिलता है, आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, आपको फाइबर मिलता है, खजूर की इफादियत जबरदस्त है, नो डाउट इसी वजह से खजूर का इतना जबरदस्त मकाम है। आप खजूर से रोजा खोलें, खजूर की बहुत इफादियत है, बहुत फायदे हैं, और सबसे बड़ी बात जिस चीज जो चीज सुन्नत है तो उसके तो वैसे ही बड़े फायदे हैं। तो आप खजूर से अपना रोजा खोलें, नंबर 1 है। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 है दही। आपको पता है दही के बड़े फायदे हैं। दही में सबसे पहले बात तो प्रोबायोटिक्स आपको मिलता है, यानी कि वो लाइव बैक्टीरिया मिलता है जो कि आपकी गट की हेल्थ को बेहतर बनाता है, आपको प्यास कम लगती है, आपके बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, आपका वजन कम करने में भी दही मदद करता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि लो फैट दही हो, ठीक है, दही पे मलाई ना हो, और अगर हो सके तो ग्रीक योगर्ट ले लें, वो बेहतरीन है। ये आप अपनी सहरी में इस्तेमाल करें, डेली सहरी में एक छोटा बोल दही का तो होना चाहिए, जो आप चमचे से रुखा खाएं, कोशिश करें उसमें आप चीनी ना मिलाएं, ठीक है। तो नंबर 2 दही है। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 मेरा फेवरेट, आप सबका फेवरेट, वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स के तो वैसे ही बड़े फायदे हैं, आपको पता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, आपको पता है उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलता है, फाइबर ग्राम फॉर ग्राम मिलता है। फाइबर का ये फायदा होता है, फाइबर बेसिकली क्या होता है, फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो फूड होते हैं उनमें मिलता है, स्टार्चेस और फाइबर मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, फाइबर क्या करता है, फाइबर आपको भूख नहीं लगती, फाइबर अगर सॉल्युबल फाइबर है आपके पेट में जाके जेल बना लेता है, जो कि चिया सीड में आपने देखा होगा, तुखमे बालंगा या चिया सीड भिगो तो वो जेल सी बन जाती है। साथ में इस बगौल में भी आपको मिलता है और कई सारी चीजों में मिलता है, मैंने आपको बताया ना खजूर में भी मिलता है। फाइबर आपके पेट में जाके जेल बना लेता है, आपके मैदे में हजम नहीं होता, आपकी आंतों में हजम होता है, आपको भूख नहीं लगती, स्लो स्लो डाइजेस्ट होता है, आपको भूख नहीं लगती। तो कोशिश करें सहरी से पहले एक गिलास पानी में एक चम्मच चिया सीड्स भिगोते हैं, आधे घंटे के करीब भिगोएं उसको, वो पी लें, चिया सीड्स के बड़े फायदे हैं। चिया सीड्स आपको पता है मेरे पास से मिल जाते हैं, 2 पैकेट पे इस वक्त मैंने डिस्काउंट लगाया, एक पैकेट आपको 1000 रुपए का मिलता है, डिलीवरी एडिशनल है, 2 पैकेट आपको मैं 1600 के दे रहा हूँ 200 ग्राम के, ठीक है। तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, नीचे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं। नंबर 3 था चिया सीड्स। नंबर 4 पर चलते हैं। अच्छा जी, नंबर 4 जो है वो मेरे हिसाब से नंबर 1 है, वो क्या है, नंबर 4 है पानी। आपको बताऊं सब चीजें एक जगह, पानी जो है ना, पानी से बेहतर इफादत किसी चीज की नहीं हो सकती। पानी आपका आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, पानी फैट बर्नर है, पानी आपको फुल रखता है, पानी आपकी बेसिकली हमारी बॉडी का जो सेल होता है ना, सेल से मिलकर बॉडी बनी हुई, आपको पता है, तो जो सेल होता है वो 60% पानी से बना होता है। इसका मतलब हमारी पूरी बॉडी में 60-65% पानी है। पानी हमारी एसेंशियल नीड है। खाने के बगैर तो हम चंद दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर हम उससे भी कम टाइम जिंदा रह सकते हैं। तो पानी लाजमी है। आप कोशिश करें दिन में 2-3 लीटर पानी पिएं। अब होता क्या है कि 12 घंटे का रोजा होता है, तो बाकी 12 घंटे में आप एकदम इतना सारा पानी नहीं पी सकते। तो इसका तरीका क्या है, सुबह सहरी से पहले चिया सीड्स के साथ पानी पियो, इफ्तार खोलते खजूर के बाद पहले पानी पियो, फिर आप जो ड्रिंक पी रहे हो लेमनेड या कुछ उसमें एक ग्लास पानी चले जाएगा, सहरी बंद करते हुए पानी जाएगा, 4 ग्लास तो ये होगा, 1 लीटर तो पानी ये हो गया आपका, 1-1.5 लीटर पानी, और आप इफ्तार से सहरी के बीच में सिप सिप करके पियो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ब्लोटिंग भी नहीं होगी और आपके पानी की इंटेक भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। तो 2-3 लीटर पानी पे नंबर 4 है। नंबर 5 पे चलता है। अच्छा जी, नंबर 5 है होल ग्रेन फूड्स। होल ग्रेन फूड्स क्या होते हैं, मैं आपको बड़ा आसान तरीके से समझा देता हूँ। आटा होता है ना, जैसे बेसिकली आटा 2 तरह से होता है, 50,000 वीडियोस में बताया, तो कई लोगों को पता होगा, एक व्हाइट आटा होता है जो कि गंदम के सिर्फ अंदर के हिस्से से बनता है, एक होता है होल ग्रेन यानी कि चक्की का आटा। तो जो भी चीज इस्तेमाल करनी है ना, वो होल ग्रेन इस्तेमाल करें, मतलब अगर आटा खा रहे हैं तो आप चक्की का पूरा आटा खाएं, गंदम खाएं, जौ खाएं, ब्रेड खा रहे हैं तो आप ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड खाएं, वाइट चीजों से दूर हो जाएं। ये बॉडी में जाते ही शुगर में कन्वर्ट होती है, जल्दी से हजम हो जाती है, आपको फिर भूख लगती है, अल्टीमेटली आप इफ्तार में ज्यादा खाते हो। तो ऐसी चीजें खाओ जो स्लो हजम हो, उसके लिए होल ग्रेन है। अगर आपको पास्ता भी खाना है ना, तो आप पास्ता खा सकते हो, लेकिन होल ग्रेन पास्ता खाओ, जो कि आराम से बरसा में नहीं मिलता, ठीक है जी। कराची में स्पेशली मिल जाता होगा, और शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता होल ग्रेन पास्ता। वो थोड़ी मेहनत लगती है, आप घर पे देख के बना लो। समोसे भी अगर आपने खाने, तो वाइट समोसे की पट्टी नहीं होगी, होल ग्रेन आटे की पट्टी होगी, अदरवाइज समोसे अवॉइड कर दो। पकौड़े आप खा सकते हो बगैर तले हुए, सिके हुए, ठीक है। तो होल ग्रेन चीजें खाओ, कोशिश करो लाल आटा खाओ या मल्टीग्रेन आटा खाओ। मल्टीग्रेन आटा आपको पता है मेरे पास से भी मिल जाता है, नीचे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, आप फॉलो कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। एक और चीज आपको बताता हूँ होल ग्रेन के हवाले से बताता हूँ, सेब भी खाते हो ना, कोशिश करो छिलके के साथ खाओ।
आपको फायदा होगा क्योंकि सारा फाइबर उसके छिलके में मौजूद है। नंबर 6 पर चलता है। अच्छा जी, नंबर 6 है बीन पीज एंड लेंटिल्स, यानी कि हो गया आपका चने, लोबिया, दालें, फलियां, इस तरह की चीजें। इनका इस्तेमाल करो, स्पेशली शहरी में इनका इस्तेमाल करो। ये आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हैं, आपको भूख भी कम लगती है, आपको बहुत सारे फायदे होते हैं इनसे। तो आप कोशिश करो दालों का इस्तेमाल करो, कोशिश करो लोबिया का इफ्तार में इस्तेमाल करो, चनों का इफ्तार में इस्तेमाल करो, दालों का सहरी में इस्तेमाल करो। दालों का आप सहरी में इस्तेमाल कर सकते हो, दाल का सूप आप इफ्तार में भी पी सकते हो, तो इन चीजों का इस्तेमाल करो। ये हो गया नंबर 6। नंबर 7 पे चलते हैं। अच्छा जी, नंबर 7 जिसके बारे में कई लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कई कहते हैं फायदा है, नुकसान है। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, ये जो फार्मी चिकन है बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ना लेने से लेना बेहतर है। मैं आपको बताऊं, देसी चिकन अफोर्ड नहीं कर सकते, अवेलेबिलिटी नहीं है, गांव में तो हो जाती है, शहरों में नहीं। भले फार्मी चिकन ले लो, लेकिन चिकन का इस्तेमाल करो, क्योंकि आपको अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है ना, बॉडी का मसल तो वीक करना नहीं है। मसल वीक होगा तो फैट बढ़ेगा, मसल स्ट्रांग होगा तो फैट वीक होगा, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज करो, साथ में चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल करो, नाश्ते में भी आप खा सकते हो, मतलब शहरी में भी आप खा सकते हो, आप आराम से चिकन टिक्के के साथ रोटी खाओ, ये डाइट है, ठीक है। इफ्तार में भी आप चिकन की चीज़ें बना के खा सकते हो, उन डिफरेंट तली हुई चीज़ों के मुकाबले में चिकन की चीज़ें बेहतर हैं, ठीक है। डिनर में भी आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चिकन मैंने नंबर 7 रखी है, नंबर 8 पे चलता है। अच्छा, नंबर 8 जो है मैंने सब्जी और फलों से निकाल के स्पेशली आप लोगों के लिए रखा है, वो है वाटरमेलन, यानी कि तरबूज। तरबूज का सीजन है जी, तरबूज का इस्तेमाल करें। तरबूज बहुत जबरदस्त है, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, आपकी पानी की कमी पूरी करता है, फिर साथ में इसमें बड़े जबरदस्त विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, बहुत हैवी नहीं होता। इफ्तार में खाली पेट इसको इस्तेमाल कर सकते हो आप। मिसाल के तौर पर आपने खजूर से रोजा खोला, पानी पिया, फिर एक छोटा बोल तरबूज का खा लो एक दिन छोड़ के कभी कभार, फिर बाकी चीजें खाओ, तो इससे क्या होगा, आपका पेट भी भरेगा, आपको कैलोरीज भी ज्यादा नहीं मिलेंगी, अल्टीमेटली आपका वजन भी कम होगा। नंबर 9 पे चलते हैं। अच्छा, नंबर 9 है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अच्छा, मेरी बात समझिएगा, वेजिटेबल्स तो सारी होती है, ठीक है। आलू और मटर मिसाल के तौर पर, इनमें आपको स्टार्चेस मिलते हैं, चीनी ज्यादा मिलती है, आपका बहुत फायदा नहीं होता कंपैरेटिवली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसमें क्या होता है, आपकी जो मिनरल्स और विटामिन की कमी है ना, ये पूरी होती है, ये लोडेड होते हैं मिनरल्स से, विटामिन से, जैसे कि मिसाल के तौर पर जिंक हो गया, सल्फेट हो गया, क्रोमियम हो गया, सेलेनियम हो गया, बहुत सारे मिनरल्स हैं। साथ में अपना विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, ये सब्जियों में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज्यादा मिलते हैं, और कैलोरीज कम होती है, पानी ज्यादा होता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करो, पालक का इस्तेमाल करो, पकौड़ा खाना है तो पालक का पकौड़ा खा सकते हो, ठीक है, वो भी तला हुआ ना हो, सिका हुआ हो। साथ में आप अपना करेले का इस्तेमाल करो, आप गाजर का इस्तेमाल करो, गाजर ग्रीन लीफी नहीं होती, ऊपर के पत्ते लीफी होते हैं, तो गाजर में आपको विटामिन ए बड़ा जबरदस्त मिलता है, बीटा कैरोटीन मिलता है आपको, जो कि आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है। शकरकंदी का इस्तेमाल करो, फिर गोभी का इस्तेमाल करो, सलाद पत्ते का इस्तेमाल करो, इन चीज़ों का इस्तेमाल रमजान में करो। करना कैसे है, अब आप कहोगे इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करें, इफ्तार करते हुए आप इफ्तार में सब्जी का एक बोल बना सकते हो, हर दो दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के सब्जी की कच्ची सलाद का, क्यों नहीं खा सकते, बिल्कुल खा सकते हैं, और खा के ट्राई करो। साथ में लेमन स्क्वीज कर लो, चाट का मसाला डाल लो, उसको भी फ्रूट चाट की तरह बना लो ना, तो वो बड़ा जबरदस्त लगेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल करो। बाय द वे, माचा टी जो है वो भी ग्रीन लीफी ही है, मतलब पत्तों का पाउडर होता है वो टी के, तो आप माचा टी का इस्तेमाल इफ्तार के एक घंटे बाद करें, ये भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में और आपका वजन कम करने में मदद करता है। मैंने एक स्पेशल डील लगाई है, 2 पैक माचा टी जो ऑर्डर कर रहा है उसको 100 ग्राम का चिया सीड फ्री दे रहा हूं मैं, तो ये आप ऑर्डर कर सकते हो, 2750 विद डिलीवरी, 2 पैक माचा टी है, ये नंबर लिखे हुए आ रहे हैं साइट पे बना हुआ रहा है, ये आप ऑर्डर कर लो। नंबर 10 और लास्ट पर चलते हैं, वो ये है जनाब, वो है लेमन और जिंजर, यानी कि लीमू का इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करें। ये कैसे करेंगे आप, लेमन वाटर बना लें, लेमनेड बना लें, चिकन जबीन बना लें इफ्तार में, ये क्या होगा, आपका हाजमा बेहतर रखेगा। अक्सर लोगों को रमजान में कब्ज की शिकायत हो जाती है, तो एक कब्ज की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, एक तो चिया सीड खत्म कर सकता है, एक लेमन और जिंजर खत्म कर सकता है। लेमन जिंजर का कावा भी पी सकते हैं आप डिनर के बाद, अदरवाइज लेमन जिंजर वाटर बना सकते हैं, इफ्तार के बाद लीजिएगा, खाली पेट ना लीजिएगा। इन 10 चीजों पे अमल करो, आपका वजन भी कम होगा, आप फिट भी होगे, आप हेल्दी भी होगे। मुझे दुआ में याद रखो। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।